आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज जो ये वचन आपको शेयर किया जाएगा, सच में इसकी आपको बहुत ज़रूरत है। और अगर इस बात की गहराई को हमने जान लिया तो एक मसीह जीवन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं परमेश्वर हमारे साथ होगा। अगर हम इस वचन के अनुसार, अगर इन चीज़ों को अगर हम पालेंगे, अगर इन चीज़ों के पीछे और वरन खुदा को खोजने में अपना पूरा समर्पण दिखाएंगे, तो सबसे पहले अगर हम जानें कि अभिषेक क्या होता है। अभिषेक आपको समझाने के लिए, हम सभी को समझने के लिए सही शब्द, एक आसान शब्दों में देखा जाए तो अभिषेक एक शक्ति होती है जो परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से एक मनुष्य के ऊपर उतरती है या जो या उसको दी जाती है। ये दो तरीके से है। पुराने समय में ये शक्ति, परमेश्वर का आत्मा, उसकी ताकत, उसकी शक्ति पुराने नियम में परमेश्वर अपने अभिषिक्तों के ऊपर स्वर्ग से उतारता था और वो कुछ कुछ समय के लिए रहती थी। लेकिन आज समय ऐसा चल रहा है कि वो शक्ति परमेश्वर ने मनुष्य को दे दी है। वो भी किसकी ज़िंदगी में परमानेंट रह सकती है, किसकी ज़िंदगी में रह सकती है, किसकी ज़िंदगी में नहीं रह सकती, ये हमारे हाथ में है। अब अगर हम देखें शॉर्ट में चीज़ों को देखा जाए तो ये अभिषेक जिसे हम शक्ति कह सकते हैं समझने के लिए, इसके बिना एक मसीह जीवन अधूरा है। और ये अभिषेक को हमें बनाए रखना है अपनी ज़िंदगी में। अभिषेक को बनाए कैसे रखें, इसके विषय में एक वीडियो बनाई जाएगी जैसा प्रभु का आत्मा जब याद दिलाए, तो आप लोग तैयार रहना इसके दूसरे पार्ट के लिए। तो आज हम जानेंगे कि अभिषेक के द्वारा होता क्या है। जो शक्ति परमेश्वर की ओर से एक मनुष्य विश्वासी को, अभिषिक्त को दी जाती है, तो उस शक्ति के द्वारा क्या क्या हो सकता है, परमेश्वर उस शक्ति को एक विश्वासी की ज़िंदगी में क्यों देता है, उस शक्ति, उस अभिषेक को परमेश्वर एक विश्वासी की ज़िंदगी में क्यों डेलता है, क्यों उस अभिषेक की ज़रूरत है एक विश्वासी को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी को जानना। देखो ध्यान से सुनना, देखो शक्ति और अभिषेक हम सभी को इन दोनों बातों को समझना ज़रूरी है। शक्ति परमेश्वर की ताकत है, अभिषेक इसको एक नाम दिया गया है। अभिषेक का मतलब भी एक तरीके से हम शक्ति ताकत परमेश्वर की ओर से एक भरपूरी की शक्ति ताकत कह सकते हैं। आसान शब्दों में अगर कोई किसी को समझ में नहीं आता है अभिषेक का मतलब क्या, तो वो शक्ति भी समझ सकता है। परमेश्वर की ओर से दी गई शक्ति, परमेश्वर की ओर से दिया गया ताकत, शक्ति और सामर्थ्य है ना। तो ये कुछ शब्द ऐसे जिनके द्वारा आप समझ सकते हो कि अभिषेक क्या होता है। अब हम जानेंगे कि अभिषेक के द्वारा होता क्या है और परमेश्वर अपने लोगों को क्यों देता है, और अभिषेक परमेश्वर के लोग क्यों नहीं पा पाते, इसके बारे में भी वीडियो बनाई जाएगी जैसा प्रभु का आत्मा याद दिलाए। तो अब एक अगर एक चीज़ देखी जाए, मान लो कोई नया व्यक्ति है, वो विश्वास में पहली बार आया है और वो पहली बार चर्च में आया है। अगर वो चर्च में आया तो उसको कुछ कुछ शब्द ऐसे लग सकते हैं बहुत नए, जैसे कि मान लो अगर एक नया विश्वासी है तो उसको हालेलुया शब्द एक नया लग सकता है, लहू शब्द उसको एक नया लग सकता है। उसको पता है लहू क्यों कहते हैं, खून कहना चाहिए ना हमें, लहू क्यों कहना चाहिए, लहू का मतलब क्या होता है। और इसके साथ साथ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लहू, सामर्थ, ताकत, अभिषेक, ये सही प्रकार, कई सारे प्रकार के शब्द ऐसे जो उस नए विश्वासी के लिए कुछ नए हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक शब्द है अभिषेक। जिस अभिषेक शब्द की एक विश्वासी को ज़रूरत है, हालांकि विश्वासी की ज़िंदगी में अभिषेक शब्द ज़रूर होना चाहिए, वरन अभिषेक भी होना चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना, जिसका अभिषेक किया गया है वो अभिषेकत है। अगर कोई बाहर से अन्य जाति व्यक्ति आया है, अगर चर्च के अंदर चमत्कार हो रहे हैं, अगर वो पूछेगा चमत्कार कैसे होते हैं, तो अगर हम उसके सामने अभिषेक बोलेंगे तो शायद वो उसको अच्छे से नहीं समझ पाए, लेकिन अगर उसके सामने हम शक्ति बोलेंगे तो वो समझ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम उस अभिषेक को शक्ति कह सकते हैं, और अभिषेक तो एक परमेश्वर की ओर से ताकत है ही, है ना। तो अब हम सीधी बात बोलेंगे, सीधा अभिषेक बोलेंगे, ताकि आप लोग इजीली अच्छे से समझ पाओ, ताकि हम और अच्छे तरीके से इसकी गहराई में जाएं। तो हम शुरुआत करते हैं कि इस अभिषेक के द्वारा होता क्या है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया, आपकी ज़िंदगी की 99% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, 90 अबव, ये सच्चाई है। जितना आप गहराई में जाओगे उतनी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म है, क्योंकि जब यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, अभिषेक से परिपूर्ण हो गए थे ना, तो मृत्यु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। अगर हम पौलुस के बारे में पढ़ें, पौलुस मर के जी उठा था, उसके ऊपर जब पथराव किया गया था। अगर हम एलिया के बारे में पढ़ें, उसने खुद दूसरे मुर्दों को जिला दिया था, जिंदा कर दिया था। अगर हम एलिशा के बारे में पढ़ें, एलिशा तो खुद मर गया था, लेकिन उसकी हड्डियों को एक मुर्दे को टच कर दिया गया,
उसकी हड्डियों की उसकी कब्र के अंदर एक मुर्दे को लाकर दफनाने की कोशिश करी। जैसे उसके उस मुर्दे ने एलिशा की हड्डी को टच किया, सोचो उस मरे हुए एलिशा की हड्डी को टच करने के द्वारा एक मुर्दा जी उठा। इसे कहते हैं अभिषेक जो मृत्यु पर जय पाता है, इसे कहते हैं अभिषेक जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा काम करता है, इसे कहते हैं अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से शक्ति हम परमेश्वर के अभिषेकों पर, हम परमेश्वर के बच्चों पर प्रभु उतारता है। वो भी कब उतारता है, किस तरीके से उतारता है, ये सब बातें आपको प्रभु के राइट टाइम पर बताई जाएंगी। बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए जानना। तो सिर्फ आप आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अभिषेक एक विश्वासी की ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर देखो ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा बात करेगा, आज आपकी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में जो भी दुख है, तकलीफ है, कर्जा है, गरीबी है, घटी है, बीमारी है, आंसू है, श्राप है, या कोई भी प्रकार की कलह कलेश है, या किसी प्रकार का कोई ऐसा बंधन है, उन सब चीज़ों के पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। ध्यान से समझना, अगर हम जाने यीशु मसीह पिता के साथ इतने अच्छे तरीके से चलते थे, यीशु का और पिता का रिश्ता इतना अच्छा था, इतना अच्छा रहा कि यीशु की ज़िंदगी में से वो अभिषेक उमड़ उमड़ कर निकलता था, बहता था। लिखा है यीशु मसीह में से सामर्थ शक्ति निकलती थी और लोगों को चंगा करती थी। सोचो यीशु इतना भर चुका था अभिषेक और उसकी पिता की शक्ति से कि उसके अंदर से उमड़ उमड़ कर निकलती थी। जैसे एक मटके को अगर हम भर दें उसके ऊपर पानी, फिर से अगर पाइप लगा दें फिर से, तो मटका उमड़ उमड़ कर बहता है, मटका भरने के बाद भी और निकलता रहता मटके में से पानी। तो कुछ इसी प्रकार से यीशु मसीह की ज़िंदगी थी। यीशु मसीह का रिश्ता पिता के साथ इतना अच्छा हो गया था कि वो अभिषेक, वो शक्ति, वो सामर्थ, वो ताकत जो पिता की ओर से यीशु को मिल रही थी, वो यीशु मसीह उमड़ उमड़ कर निकल रही थी, भर भर कर निकल रही थी, गिर रही थी, फैल रही थी, लोगों को छू रही थी। अगर हम पढ़ें, एक स्त्री है जिसको 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी, उस स्त्री ने यीशु के सिर्फ वस्त्र को छुआ था और वो चंगी हो गई। और यीशु ने तुरंत एक बात बोली, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, क्यों? क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, मुझ में से शक्ति निकली है। यीशु ने स्वयं इस बात को बोला। अगर हम नए नियम में पढ़े इन बातों को लेकर, और यीशु मसीह के साथ साथ और क्या हुआ, लिखा है यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को बोलने का मौका भी नहीं देता था। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक ही इतना सामर्थ्य रूप से आग की तरह बहता था यीशु में से कि वो दुष्ट आत्माएं जलती थी, तड़पती थी, वो लोगों की ज़िंदगियों से, उनकी ज़िंदगियों में से, उनके जीवनों में से दूर चली जाती थी, या जल जाती थी, या थागड़े में कैद हो जाती थी। यीशु के अंदर ऐसा अभिषेक रहा मेरे भाई और बहनों कि उस अभिषेक के द्वारा प्रभु यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार किए। उस अभिषेक के द्वारा पत्रस के बारे में पढ़े तो पत्रस की परछाई से लोग चंगे होते थे, वही अभिषेक यीशु मसीह का पत्रस के जीवन में आया। सोचो पत्रस की परछाई से लोग चंगे होने लगे, पत्रस के बोलते बोलते लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा उतर आया, ये अभिषेक है। जब तक एक विश्वासी की ज़िंदगी में अभिषेक नहीं है ना, तो वो सच्चा मसीह, वो सच्चाई के रास्ते पर, पवित्रता के जीवन में चल ही नहीं सकता। विश्वास तो कर सकता है लेकिन विश्वास से बना नहीं रह सकता। प्रभु से प्रेम तो कर सकता है लेकिन एक ना एक दिन ठंडा गुनगुना हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभिषेक नहीं है, वो शक्ति नहीं है। वो शक्ति हमें प्रभु के मार्ग पर मजबूत करती है, वो शक्ति हमें परमेश्वर की सामर्थ्य में मजबूत करती है, वो परमेश्वर की ओर हमें और नज़दीक लेकर आती है, प्रभु के कामों में हमें और बढ़ाती है। उस अभिषेक के बिना मेरे भाई और बहनों ना कोई चंगा हो सकता। यीशु ने अभिषेक के द्वारा चंगा किया लोगों को। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह में से वो सामर्थ्य बहती थी, कई बार यीशु को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। यीशु बस आता था और दुष्ट आत्मा निकलती थी, दुष्ट आत्मा को बोलने का मौका भी नहीं देता था। मतलब समझ लो कि एक आग से भरा हुआ, परमेश्वर की सामर्थ्य आग से भरा हुआ एक व्यक्ति हमारे बीच में आ चुका है, और जहाँ पर यीशु मसीह, वो सामर्थ्य परमेश्वर यीशु मसीह खड़ा है आग से भरा हुआ, उसके अगल बगल में जितनी दुष्ट आत्माएं हैं अपने आप उस आग की तपन से जल रही हैं, यीशु को बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही। यही एक कंडीशन होती है अभिषेक की। अभिषेक होगा ना, अभिषेक अगर आपकी ज़िंदगी में होगा तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारे कामों में, चाहे वो सरकारी काम हो, चाहे वो आत्मिक काम हो, चाहे शारीरिक काम हो, चाहे सांसारिक काम हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, लेकिन मैंने बहुत बार बहुत कुछ खोया भी है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि आप कुछ ना खोने पाओ। आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को ये सारी बातें तरीके से प्रभु के राइट टाइम पर बताई जाएंगी कि आप इसमें बने कैसे रह सकोगे, कि इसको इंसान खोता कैसे है, इसमें इंसान बढ़ता कैसे है, इसको इंसान पाता कैसे है, इस अभिषेक को परमेश्वर की ओर से पाता कैसे है, और परमेश्वर इस अभिषेक को देता किसे है, इस बारे में भी हम जान पाएंगे। तो हम सीधी बात पर आएंगे, सीधे मुद्दे पर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अगर हमने अभिषेक पा लिया
तो हमें क्या क्या मिलता है अभिषेक के द्वारा हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, ध्यान से सुनना। आपकी ज़िंदगी में जो भी परिस्थितियाँ आपकी आंखों में आंसू लेकर आती है या नाकामयाबी को लेकर आती है, दुखों कलह कलेश को, आंधी तूफानों को, बीमारियों को, परेशानी को, लड़ाई दंगा, मौत, एक्सीडेंट्स, घटी नामाफी की बातें, कड़वाहट, ढहा, जलन, मतवालापन, नीला कीड़ा, किसी प्रकार की ऐसी शैतानी काम, व्यवहार, विचार और बातों को लेकर आती हैं, ये इसीलिए है कि अभिषेक हमारी ज़िंदगी में नहीं है। सबसे पहली बात, जिसकी ज़िंदगी में अभिषेक नहीं है वो गुलाम बनकर जिएगा, जिसकी ज़िंदगी में अभिषेक नहीं है वो उठकर जी नहीं सकता, उसको गुलाम, वो गुलाम बनकर ही रहता है। अरे तकलीफ तो होनी थी, बीमारी तो होनी थी, आंसू तो आना ही थे, समस्या में तो होना ही था। अरे क्या मसीह विश्वासियों की ज़िंदगी में समस्या नहीं आती? आती है, लेकिन वो बनी नहीं रहती समस्याएं। प्रभु उन समस्याओं से उनको छुड़ाता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु अपने बच्चों का अभिषेक करता है, आत्मा देता है, अभिषेक देता है, लेकिन जब हम अन्य जातियों में थे तो हम दुखों, बीमारी, तकलीफों, कलह कलेशों को, आंसू को, इन तकलीफों को, इन रोगों को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते थे। भाई उम्र तो हो गई, लगना ही था। क्यों लगना था? जब हम मसीह में आते तो हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। बीमारी, तकलीफ, कर्जा, गरीबी, घटी, आंसू, श्राप, लड़ाई, दंगा, मौत, एक्सीडेंट्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। भाई परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है। आज इन्हीं बातों को हमें जानना जरूरी है। आज शैतान परमेश्वर के लोगों को, विश्वासियों को अभिषेक नहीं पाने दे रहा। अभिषेक पाने के लिए समय बिताना जरूरी है और समय नहीं बिताने दे रहा। ये किस तरीके से मिलेगा वो आपको बताया जाएगा, लेकिन आज हमें ये जानना है कि अभिषेक के द्वारा क्या होता है। मेरे भाई और बहनों, अभिषेक एक ऐसी परमेश्वर की सामर्थ्य है जिसके बिना कोई सेवा नहीं कर सकता। पहला, गिनते जाना उंगली पर, अभिषेक के बिना कोई सेवा नहीं कर सकता, अभिषेक के बिना कोई कलीसिया नहीं चला सकता, अभिषेक के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता, अभिषेक के बिना कोई बपतिस्मा नहीं दे सकता, अभिषेक के बिना कोई कठोर हृदय को नम्र नहीं कर सकता, अभिषेक के बिना किसी को चंगा नहीं कर सकते, अभिषेक के बिना कोई रुका हुआ काम नहीं कर सकता, अभिषेक के बिना किसी की ज़िंदगी में बड़ा रिवाइवल नहीं लेकर आ सकते, अभिषेक के बिना सेवा शुरू नहीं हो सकती, अभिषेक के बिना हाउस चर्च नहीं बना रह सकता, अभिषेक के बिना कोई वश में नहीं हो सकता, अभिषेक के बिना टूटे रिश्ते नहीं जुड़ सकता, अभिषेक के बिना कोई फेवर में नहीं आ सकता, अभिषेक के बिना हमारे काम नहीं हो सकते, अभिषेक के बिना हम आशीष नहीं पा सकते, अभिषेक के बिना हमारे रुके हुए काम नहीं बन सकते, अभिषेक के बिना बड़े बड़े काम नहीं हो सकते, अभिषेक के बिना ठंडा गुनगुना जीवन रहता है, अभिषेक के बिना एक विश्वासी कुछ समय तक प्रभु के पास रहता है, फिर वो दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ठंडा गुनगुना हो चुका है। अभिषेक एक जलते दीपक में तेल के समान है। अगर वो तेल खत्म हो गया तो दीपक का जो दिया है, मतलब जो उसकी बत्ती है, जो उसके अंदर रोई लगी हुई, जिसके अंदर आग जलती है, वो बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस आग को जलने के लिए लगातार तेल चाहिए, और उस तेल को ही अभिषेक कहते हैं। अगर तेल और लौ और उसके अंदर जली हुई आग है तो वो कंटिन्यूसली जब तक जला रहेगा जब तक उसके अंदर तेल है। इसी प्रकार से एक मसीह विश्वासी का जीवन है, जैसे ही तेल कम होता है वैसे ही सामर्थ्य, अभिषेक, ताकत कम होने लग जाती है, वो आग बड़े बड़े काम करने वाली कम होने लग जाती है। इसी प्रकार से प्रभु का अभिषेक होता है। अगर हम 10 कुमारियों के बारे में पढ़ें, उसमें से 5 कुमारियां मूर्ख थी, जिनके पास तेल नहीं था, लेकिन उनके दिए तो जल रहे थे, लेकिन जब आगे आधे रास्ते तक बढ़े तो दिए की लौ बुझ गई, आग बुझ गई दिए में से। क्यों? क्योंकि तेल ही खत्म हो गया। लेकिन 5 कुमारियां बुद्धिमान थी, जिनकी कुप्पियों में तेल भी था, जिनके हाथ में जो दिए थे उन दियों में भी तेल था और आग भी जल रही थी, उनके पास अलग से भी तेल रखा होता, उनको पता है कि तेल के बिना हम आगे नहीं जा सकते, तेल होना जरूरी है। तो तेल वो अभिषेक को दर्शाता है। तो अभिषेक के बिना किसी को चंगा नहीं कर सकते, अभिषेक के बिना मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते, अभिषेक के बिना अंधे देख नहीं सकते, गूंगे बोल नहीं सकते, बहरे सुन नहीं सकते, शक्तिहीन शरीर शक्तिशाली नहीं हो सकते, बीमार चंगे नहीं हो सकते, आश्चर्य कर्म नहीं हो सकते, अभिषेक के बिना कठोर हृदय नम्र नहीं हो सकते, अभिषेक के बिना कोई काम नहीं मिल सकता, अभिषेक के बिना हमारा रुका हुआ धन नहीं आ सकता, अभिषेक के बिना हमारी ज़िंदगी में छुटकारे नहीं हो सकते, अभिषेक के बिना दुष्टात्मा नहीं निकल सकती, अभिषेक के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ अधूरा है। और अभिषेक को पाने के लिए दाम चुकाना पड़ता है, इस बात को मत भूलना। जब तक एक बादाम को या राई के दाने को पीसा नहीं जाता ना, तब तक उसमें से तेल नहीं निकलता। लिखा है जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो केला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल फलता है। उस अभिषेक को पाने के लिए मरना पड़ेगा। कौन सा मरना? अपनी जान नहीं देनी। मरने का मतलब है अपनी अभिलाषाओं के लिए मरना, बुरे और पाप के कामों के लिए, पाप के व्यवहारों के लिए मर जाना, नम्र रहना, चुप लगाना, बहुत सारी चीज़ें हैं आज्ञा पालन को लेकर, वो हमें करना जरूरी। तब वो अभिषेक धीरे धीरे करके हमारी ज़िंदगी में आएगा। प्रभु देखेगा, देखे चुप रहकर दुख को सह रहा है, माफ़ कर रहा है, क्षमा कर रहा है, गाली गलौज नहीं कर रहा, चांटे के बदले चांटा नहीं, बुराई के बदले बुराई नहीं, ठट्ठा नहीं कर रहा, अभिषेक को बचा कर रख रहा है, बुरी संगति में नहीं जा रहा, पापियों के संग खड़ा नहीं हो रहा और शरीर की बातों पर मन नहीं लगा रहा। तो मैं इसको चलो अभिषेक देना शुरू करता हूँ ताकि इसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम हो और इसकी समस्याएँ खत्म हो।
प्रभु अभिषेक कब किस तरीके से देता है, बहुत सारी चीज़ें वो आपको आगे बताई जाएंगी, लेकिन अभिषेक के बिना ये सारे काम नहीं हो सकते। अभिषेक के बिना घराना विश्वास में नहीं आ सकता, अभिषेक के बिना विरोधी फेवर में नहीं हो सकते, अभिषेक के बिना रुके हुए काम नहीं बन सकते, चाहे वो डॉक्यूमेंट का काम हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है, 1.5 साल तक मेरा पासपोर्ट रुका हुआ था। जब परमेश्वर ने इस चीज़ को सिखाया, अब धीरे धीरे करके काम करने की कोशिश करी, प्रार्थना करी, जिस दिन इस बात को पूरी, जब एक बार की बात है, रात को मेरी वाइफ के साथ बैठा था, प्रचार हो रहा था, परमेश्वर का बहुत सामर्थ्य अभिषेक बह रहा था, उस अभिषेक के बीच में होते हुए मेरी और मेरी वाइफ की आंखें नम थी, आंसू निकल रहे थे, और प्रचार हो ही जा रहा था, बहुत सामर्थ्य रूप से प्रभु का सामर्थ्य अभिषेक हमारे बीच में था। तो कुछ ऐसा हुआ, रात को कुछ शब्द ऐसे हुए, भविष्यवाणी हुई इस अभिषेक के द्वारा, भविष्यवाणी का आत्मा हमारी जुबान पर आकर कब्जा किया, और जैसी भविष्यवाणी जो बोला तुरंत ऑन द स्पॉट, कल 24 घंटे भी नहीं बीते, कल शाम तक, रात को मैंने बोल, रात को हमारे मुँह से वो शब्द निकले भविष्यवाणी रूपी उस अभिषेक के द्वारा। हमें परमेश्वर ने, उस कहते हैं ना कि परमेश्वर की ओर से जो वचन होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मेरे भाई और बहनों, जो प्रभु बोलता है वो करता है, और प्रभु अपने लोगों के मन में डालता है वो बातें, और वो परमेश्वर अपने बच्चों के मुंह से निकलवाता है वो शब्द, वो अभिषेक के द्वारा बुलवाता है, वो अभिषेक जो उस परमेश्वर की ओर से किया गया है। हमें किसी का प्रयोजन नहीं है कि कोई हमें सिखाए, वरन उस पवित्र की ओर से जो अभिषेक हमारा किया गया है, वो अभिषेक आप ही हमें सिखाता है, और वो हम में बना रहता है, और हम उसमें, ये लिखा है। तो उसी अभिषेक के द्वारा परमेश्वर ने कुछ भविष्यवाणियां कर, रात को हुई शब्द हुए, और उसके बाद जब हमने कल सुबह, कल दोपहर का, जब कल शाम का टाइम आया, तो परमेश्वर ने मेरा 1.5 साल का रुका हुआ पासपोर्ट एक नई तरीके से, बिना चक्कर मारे, बिना पैसा लगाए, बिना टाइम और एनर्जी वेस्ट करे, परमेश्वर ने 24 घंटे के अंदर ये काम करके दिखाया। 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, 24 घंटे जब होते जब अगले दिन की रात आती, अगले दिन की रात आने से पहले ही परमेश्वर ने दिन में ही मेरा काम कर दिया था। यह अभिषेक के द्वारा परमेश्वर ने किया। इन बातों को खुदा बाप ने सिखलाया है। अगर आपकी ज़िंदगी में, अगर आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते नाते ठीक नहीं है, गड़बड़ियाँ हैं, आपको आपके हिस्से का धन नहीं मिल पा रहा, आशीष नहीं मिल पा रही, बरकत नहीं मिल पा रही, जिस इज्जत मान सम्मान के आप हकदार हो वो नहीं मिल पा रहा है, या आपका किसी ने छीन लिया है, तो अभिषेक के कारण आपकी वो आशीषें रुकी हुई हैं, अभिषेक ना होने के कारण। जैसे ही आपकी ज़िंदगी में अभिषेक आएगा, तो वो सब चीज़ आपको मिलने लगेगी। आपको भागा दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको घुटने टिकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के आगे, आपको किसी के आगे जी हजूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग बेचैन होंगे, उनके मन में बेचैनी आएगी, ऐसी बेचैनी हमारा परमेश्वर डालेगा उनके मनों के अंदर कि वो उनके गले से टुकड़ा नहीं उतरेगा रोटी का, पानी का गिलास, एक गिलास पानी नहीं पी सकेंगे, वो मन में बेचैनी होगी कि भाई जिसका मैंने लिया उसको मैं वापस लौटा दूँ, नहीं तो मेरी नींद आराम हो जाएगी, मेरे को अजीब लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं उसके उसके पैसे दे दूँ, मेरे को नहीं मानने चाहिए उसके पैसे, बेचैन हो जाएगा इंसान। ऐसा हमारे साथ हुआ है। अभी लास्ट मंगलवार को हमारे घर पर संगति थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहन हमारे घर पर आई थी, दो बहनें आई थी, अचानक क्या हुआ कि उनका नया फ़ोन था वो रिक्शे के अंदर छूट गया, बैटरी रिक्शे के अंदर वो छूट गया। तो कुछ ऐसा हुआ, जैसे वो घर के अंदर घुसी तो उनको अचानक याद आया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अरे मेरा फ़ोन तो बैटरी रिक्शे में छूट गया, और बैटरी रिक्शा वाला जा चुका था, और हुआ कुछ ऐसा, जैसे उन्होंने बताया उसके बाद तुरंत प्रार्थना करी, प्रभु के नाम से प्रार्थना करी, हम सभी लोगों ने मिलकर, कलीसिया ने एक मन एक आत्मा के मिलकर प्रार्थना करी, प्रभु वो फ़ोन जहाँ कहीं भी है, जिस किसी के भी हाथ में जाए, वो उसको स्विच ऑफ ना करने पाए, उसके मन में ऐसी बेचैनी आ जाए कि वो वापस लौट आए, और वो फ़ोन को भी उठाए जब उसको फ़ोन करें, और प्रभु वो इतना बेचैन हो जाए कि उसके गले से गिलास पानी ना उतरे, वो इतना बेचैन हो जाए जब तक इस फ़ोन को लौटाने दें, तब तक वो आराम से ना बैठे। बहुत सारी परमेश्वर की दया से शब्द निकले, और लगभग 15 से 20 मिनट बाद जब वो बहन चली गई थी वापस अपना फ़ोन ढूंढने के लिए, तो परमेश्वर उसको वापस फ़ोन के साथ लेकर आया। कैसे हुआ ये? ये परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा हुआ। क्या कोई चोर दे सकता है? ऐसी गवाहियाँ भी हमारे पास है, चोर विवश हो गए, चोर बेचैन हो गए, फ़ोन उठाकर बोल रहे हैं। हमारे चर्च के बाहर से किसी भाई की साइकिल चोरी हो गई थी, चोर चोरी करके चला गया। अब सोचो चोर को परमेश्वर ने कितना बेचैन कर दिया, और चोर वापस देने के लिए आया साइकिल। क्या ऐसा हो सकता है? अगर कोई थर्ड पर्सन सोचेगा वो तो सोचेगा ऐसी बातें बना रहे हैं, उनको नहीं पता, उन्होंने अनुभव नहीं लिया, लेकिन हम जानते हैं, हमें पता है परमेश्वर की सामर्थ्य और अभिषेक काम करती है, जो लोगों को विवश कर देती है, जो बेचैन कर देती है, जिसमें हमें किसी से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वरन सामने वाला बंदा खुद ब खुद परमेश्वर के डर में आकर करता है। परमेश्वर उसके मनों में बातें डालता है, कब? जब अभिषेक, हम उस अभिषेक को तरीके से इस्तेमाल करें, जब हम उस अभिषेक में बने रहते हैं, जब हम बुराई से बैर करते हैं, जब हम अपना न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। हम खुद नहीं लड़ते, अगर हम खुद लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, अगर हम अपना न्याय खुद लड़ लेंगे तो अभिषेक का कोई फायदा नहीं है, हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। प्रभु काम करता है, प्रभु हमारी ओर से लड़ता है, प्रभु हमारे नुकसानों की भरपाई करता है, जिस इज्जत मान सम्मान के हकदार हैं हम, प्रभु वो हमें देता है, चाहे वो आशीष हो, चाहे बरकत हो, चाहे चंगाई हो, चाहे छुटकारा हो, चाहे किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, अभिषेक को भरपूरी हो, ताकत हो, जिस चीज़ की हमें जरूरत है प्रभु हमें समय पर मेह बरसाता है, देता है, लेकिन उसको हमें बनाए रखना है, उसमें हमें बने रहना है, उसको खोना नहीं है।
अभिषेक के द्वारा तो बहुत बड़े बड़े काम हुए, चर्चेस में कितने बड़े बड़े छुटकारे होते हैं। आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषेकों की, ये बिना अभिषेक के नहीं होता। अगर आप चाहो तो किसी भी परमेश्वर के अभिषेक से पूछ सकते हो, ये परमेश्वर का जो अभिषेक जो उस कलीसियाओं के अंदर बहता है वो छूता है लोगों को, वो टच करता है। कोई कहता है मुझे किसी ने छुआ, कोई कहता है मेरे हाथ दर्द दर्द गायब हो गया, कोई कहता है मेरे घुटने की कटोरी की जो समस्या थी वो खत्म हो गई, कोई कहता है मेरे सर की समस्या खत्म हो गई, कोई कहता है मेरे शरीर के रोग खत्म हो गए, मेरे को ठंडा ठंडा लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छा एहसास हो रहा है, मैं हल्का हो गया, मेरा सर दर्द खत्म, मेरी बीमारी परेशानी पीड़ाएं खत्म हो गई, मैं टेंशन फ्री हो गई, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं प्रार्थना करने लगी। यह अभिषेक था, यह अभिषेक के द्वारा होता है। और जब अभिषेक हमें टच करता है, जब परमेश्वर की सामर्थ्य वो ताकत वो भरपूरी की शक्ति हमें जब टच करती है तो हालात परिस्थितियां जिंदगियां बदल जाती है। और इसको पाना जरूरी है, और शैतान इसी को नहीं पाने देता। और इसको पाने के लिए प्रभु की संगति में होना जरूरी है, चुप रहकर दुख को सहना जरूरी है, जो एक विश्वासी अच्छे से नहीं कर पाता, जिसमें विश्वासी गिर जाता है। शैतान इंसान को इतना बिजी कर देता है कि ना तो खुद पर्सनल प्रेयर में बैठ पाता, ना परमेश्वर की संगति उपस्थिति में बैठ पाता, ना वचन सुन पाता, ना वचन पढ़ पाता, ना प्रचार कर पाता, ना प्रचार सुन पाता, ना आराधना कर पाता। और ये सब चीज़ें तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती है। लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, और हम परमेश्वर का आनंद ही हमारी सामर्थ्य, हमारी शक्ति है, हमारा अभिषेक है। सोचो, अब शैतान इस वचन को जानता है, इसलिए वो किसी भी विश्वासी को परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के निकट आने ही नहीं दे रहा है। संसार के कामों में इतना फंसा दिया है शैतान को, पता है अगर उसको मैं यहाँ फंसा दूँ ना तो इसका धन फंसा ही रहेगा, आशीष फंसी रहेगी, इसके घर में शांति चैन विश्राम सुख चंगाई छुटकारा आशीष बरकत आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसको तो मैंने यहाँ फंसा दिया। जैसे ही अगर ये प्रभु के नज़दीक जाएगा तो ये अभिषेक पाएगा, अभिषेक के द्वारा इसके घर में छुटकारे होंगे, चमत्कार होंगे, इसके आंसू पोंछे जाएंगे, इसकी बंधन टूटेंगे, इसकी रुकावटें खत्म होंगी। इसीलिए मैं इसको परमेश्वर के निकट नहीं जाने दूंगा। वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता है, वो शैतान है शैतान, और हमें उससे ज़्यादा चलाक बनना है। इसलिए प्रभु कहता है सांप की नाई चतुर, कबूतर की नाई भोले बन जाओ, पाप करने के लिए भोले बन जाओ, भलाई करने के लिए चतुर बन जाओ, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करने के लिए चतुर बन जाओ। जो मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। उस ज्ञान की बात में से एक ये भी बात है मेरे भाई और बहनों, उस अभिषेक को हमें पाना है। अगर पुराने नियम में हम देखें, क्या परमेश्वर किसके साथ होकर काम करता था? परमेश्वर का अभिषेक काम करता था, जो दाऊद की ज़िंदगी में, जो सुलेमान की ज़िंदगी में, इब्राहिम की, इसहाक की, याकूब की, एलिया की, एलिशा की, उन सभी की ज़िंदगी में प्रभु का अभिषेक ही काम करता था। और लिखा है परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया, एलिशा से भी कहा कि तू अपनी जगह पर एलिशा का अभिषेक करना। परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक कराया, शमूएल का, शाऊल का, कितने लोगों के बारे में हम जानते समझते पढ़ते हैं सीखते हैं। कहाँ घूम फिर कर एक बात आती है, अभिषेक। और यही जड़ है। जिस दिन आपने इस बात को पकड़ लिया और इस अभिषेक को पाने में परमेश्वर के साथ अगर आपने अच्छी संगति करी, उसके आज्ञा पालन में आप नम्रता दीनता प्रेम प्यार से चलते रहे, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई आपको रोक ले अभिषेक पाने से, या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से कोई रोक ले। आपको उठते हुए लोग देखेंगे, आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। आपको बढ़ते हुए लोग देखेंगे, कोई आपकी टांग नहीं खींच पाएगा। आपको परमेश्वर के बड़े बड़े कामों में, सामर्थ्य में, अभिषेक में, चंगाई में, छुटकारा में, आशीष और बरकतों में उठते हुए लोग देखेंगे, बढ़ते हुए देखेंगे लोग, खुशी और आनंद मनाते हुए देखेंगे। लेकिन कोई भी आपकी बुराई नहीं कर पाएगा, कोई आपके विरोध में खड़ा नहीं होने पाएगा, वरन वो आपको देखकर आपके पास खींचे चले आएंगे। इसे कहते हैं अभिषेक। यीशु के साथ ऐसा ही था। जब यीशु चमत्कार करता था, सामर्थ्य यीशु में से निकलती थी, तो भीड़ यीशु के पीछे चलती थी। आप इस वचन को पढ़ सकते हो, नए नियम के अंदर लिखा है भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी। यीशु नहीं बोलता था कि मेरे पीछे हो ले भीड़ से। यीशु ने अपने चेलों से बोला, जो मेरी सेवा करना चाहता है, यीशु ने एक बात रखी, जो मेरी सेवा करना चाहता है वो मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठाए। यीशु ने ये नहीं कहा कि आजा तू भी मेरे पीछे हो ले, तू भी मेरे पीछे हो ले, तू भी मेरे पीछे हो ले। यीशु ने एक बात रखी, अगर तू मेरी सेवा करना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठा। क्रूस उठाएगा तो अभिषेक पाएगा, अगर अभिषेक पाएगा तो मेरी सेवा कर पाएगा। अभिषेक के बिना सेवा अधूरी है, क्योंकि अभिषेक हमें उठना सिखाता है, अभिषेक हमें मजबूत करता है, अभिषेक हमें वचन की गहराई में ले जाता है, अभिषेक के द्वारा हम प्रकाशन पाते हैं, अभिषेक के द्वारा हम प्रभु की बात को, वाणी को सुन पाते हैं, अभिषेक के द्वारा हमें दर्शन मिलते हैं, अभिषेक के द्वारा हमें खुलासे मिलते हैं, प्रकाशनों के, वचनों के, दर्शनों के खुलासे हमें मिलते हैं, अभिषेक के द्वारा होने वाली बातें प्रकट होती हैं, अभिषेक के द्वारा भविष्यवाणी का आत्मा उतरता है, अभिषेक के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, अभिषेक के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। जिस दिन आपने इस अभिषेक की चाबी को प्रभु की इच्छा के अनुसार पा लिया, तो कोई आपको उड़ने से नहीं रोक सकता। बढ़ने की बात तो दूर है, उड़ने से नहीं रोक सकता कोई आपको। ये बात प्रभु ने सिखलाई है। आज मैं भी चाहता हूँ प्रभु से, हाँ मैं गिर गया, मैं खुद कहता हूँ मैं गिर जाता था प्रभु, हाँ मैं आज भी गिरा, लेकिन प्रभु मैं फिर से उठकर खड़ा होता हूँ, मुझे फिर से उस अभिषेक में बढ़ा, मुझे फिर से
तेरे दुगने अभिषेक में मुझे बढ़ा, मुझे अपनी आत्मा की अगुवाई में चला। मैं गिर गया था लेकिन प्रभु तूने मुझे उठा लिया। मैंने पाप किया, मैं पापी था, मैं व्यभिचारी था, मैं चोर डाकू, मेरे सब प्रकार के वो पाप के जो मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर दोबारा उठ खड़े होना, परमेश्वर की दया आपके ऊपर ऐसे होगी आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और आपके कदमों में परमेश्वर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को रखेगा। तब भी आप यही बोलोगे, मुझे इन चीज़ों की इतनी परवाह नहीं है, मुझे परवाह है मेरे यीशु के प्यार की और मेरे यीशु की। मुझे आशीष नहीं वरन आशीषों का देने वाला चाहिए। जब आप आशीषों के देने वाले के पीछे जाओगे ना, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे जाओगे ना, तो आपकी जो ज़रूरत की चीज़ है ना वो आपके पीछे चली आएंगी। आप बांटते फिरोगे, अरे ये भी मेरे पास आ रहे, मेरे को प्रभु ने दिया, अरे एक्स्ट्रा हो गया, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। जो आपकी ज़रूरत है, जो आप सोचोगे वो आपके सामने होगा। ऐसा हमारे साथ हुआ है। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। हमसे गलती भी हुई है, हमने बहुत कुछ खोया भी था, लेकिन जब हम गिर गए वापस उठे, पश्चाताप किया, हमारे प्रभु ने अपने हाथ से हमें उठाया। काफ़ी कुछ खोया था, प्रभु ने भरपाई करके दी, बढ़ा कर दिया। ये मत सोचना कि आप गिर गए तो दूर हो गए, नहीं। जब एक बच्चा बाप की दृष्टि में जब गिर जाता है ना, तो वो बच्चा बच्चा ही रहता है, बेटा बेटा ही रहेगा बाप का, वो कोई पड़ोसी का बेटा नहीं बन जाएगा। और बाप उस बच्चे को उठाता है। जब बाप देखता है कि मेरा बेटा उठ नहीं पा रहा, तो यहोवा स्वयं उठाएगा। लिखा है कि जब वो हाथ बढ़ाएगा तो बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े काम होंगे। उसने हाथ बढ़ाकर पतरस को थाम लिया। सोचो तो आप और मुझे क्यों नहीं थामेगा, उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। लिखा है तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, मैं तुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि तेरे लिए मैंने अपनी जान दे दी। इसलिए जब तो लिखा है कि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अपने हमारे लिए दे दिया, ताकि हम उस पर जब विश्वास करें तो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर पिता ने यीशु से ज़्यादा प्यार हमसे किया, हमसे ज़्यादा प्यार किया है यीशु मसीह से, बढ़कर हमारे पिता ने। तभी तो हमें बचाने के लिए यीशु ने अपनी जान दे दी। और उस अभिषेक को पाना में ज़रूरी है मेरे भाई और बहनों, जो प्रभु की ओर से दिया जाता है। धीरज धरना, जल्दबाजी मत करना, धीरज धरना। परमेश्वर टेस्ट करता है, परखता है अभिषेक को देने के लिए। बस बने रहना, हार मत मानना, जो प्रभु ज़रूर देगा। ध्यान रखना, समय लगता है, निश्चय पूरी होती हैं उसकी बातें। इन बातों को पकड़ कर रखना, वो ज़रूर काम करेगा। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह।